एक बड़ा मछली है, मैं जा रही हूँ उसको पकड़ने। देखिए फैला लाऊ ये पकड़ लिया मैंने। नमस्ते दोस्तों, मैं रेणुका, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टोरी विद त्रिशु में। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको कुछ स्पेशल दिखाने वाली हूँ, मेरा गांव दिखाने वाली हूँ। दोस्तों देखिए मेरा गांव कितना हरियाली है, और हम लोग जाने वाले हैं फिशिंग के लिए। तो शुमी, मैं और ये ऋषिका, आज ऋषिका का स्कूल ऑफ है, बंद है स्कूल ऋषिका का, तो हम लोग जाने वाले हैं फिशिंग के लिए। तो बहुत मज़ा आने वाला है, हम लोग जाने वाले हैं फिशिंग के लिए। तो हमारे वीडियो में आप बने रहिए देखने के लिए कि गांव में हम लोग फिशिंग कैसे करते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, वैसे रोज मौका नहीं मिलता ये सब काम के लिए, फिशिंग वगैरह करने के लिए रोज़ मौका नहीं मिलता। आज मौका मिला है तो मैं सोची कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। हमारा जो तालाब है थोड़ा दूर है, तो हम जा रहे हैं तालाब की ओर। किसी का इस साइड में आ जाओ, मोबाइल में स्टैंड कैंडी बाद में। ये कैंडी वाला आया है, ऋषिका जिद कर रही है। घूम के आते वक्त ना उधर में एक दुकान है ना, वहाँ घुसे। हाँ कहाँ, इधर से चला जाएगा, अभी मैम पैसा नहीं लाया ना इसलिए बोल रहा था। लियो ना जून से चाहे सर। ये देखिए घूम के आते वक्त मेरे दुकान में से पैसा ले लीजिए। पैसे नहीं थे मेरे पास, ये दोनों जिद करने लगे, ले लिया। चलो आगे चलो, बहुत खुश हो गए बच्चे। तो बच्चों को कॉटन कैंडी मिल गया, देखिए खुश हो गए। और हम लोग फिश पकड़ने जा रहे हैं और हम लोग तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। चलो चलो चलो, चलिए फिश पकड़ने के लिए जाते हैं, बहुत मज़ा आएगा, जल्दी लिखाओ। तो ये हमारा गांव है, ये हमारे गांव का रास्ता है। गांव में रहने का दोस्तों मजा ही कुछ और है। देखिए चारों ओर हरियाली हरियाली। आपसे बात करते करते देखिए दोस्तों हम आ पहुंचे हैं तालाब के पास। वो देखिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं वहां पे तालाब पे। तो चलिए चलिए हम लोग चलते हैं तालाब की ओर और करते हैं फिशिंग। तो वो खड़े हैं हमारे काका लोग, भाई लोग, सब फिशिंग के लिए तैयार है। ये देखिए ये हमारे काका हैं, ये पानी में उतरने वाले हैं फिशिंग के लिए। देखिए सब रेडी है फिशिंग करने के लिए। मार से जान भी ना जानती काका, हाई कर तो हाई कर तो। हमारे काका मछली पकड़ने वाले हैं। नमस्कार कर देना काका, माछा पकड़ी बाबू। नमस्ते, तो हम आ पहुँचे हैं तालाब पे। ये है तालाब जहाँ पे हम लोग फिशिंग करने वाले हैं। जो तालाब है वो देखिए खेतों के बीच में है, चारों तरफ हरियाली हरियाली, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये हमारे गांव में ही है दोस्तों। आप लोगों को मैं अपना गांव का दृश्य एक दिन पूरे वीडियो में मैं अपना गाँव का आपको दृश्य दिखाऊँगी। तो आज के लिए तो सिर्फ मैं आपको तालाब दिखाने वाली हूँ, और इस तालाब पर हम लोग फिशिंग करने वाले हैं। तो मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए, और जिसने जिसने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखते रहिए हम फिशिंग करने वाले हैं, बहुत ही मजा आने वाला है आज दोस्तों वीडियो में। देखिए ऋषु और ऋषु की बहन नीचे दोनों बैठे हुए हैं, वो दोनों भी देख रहे हैं फिशिंग करने के लिए। ऋषिका देखो इधर, हाय बोल दो बेटा। वो दोनों बैठे हुए हैं, तो बच्चे लोग भी तैयार हैं मुझे मच्छी पकड़ते हुए देखने के लिए, और मैं भी तैयार हूँ तालाब में उतरने के लिए। तो अभी उतरूंगी और मच्छी पकड़ूंगी। देखिए तालाब कितना गहरा है, काका लोग ऑलरेडी तालाब पे उतर चुके हैं, अब मेरी बारी। कोई जाल फेंक रहा है, कोई हाथ से पकड़ रहा है, मैं हाथ से पकड़ूंगी। अब उतरने वाली हूँ तालाब में।
बाबा फिश पकड़ी है दीदी, वो आपके पीछे देखिए इतना बड़ा फिश। मछली है, मछली है, देखिए। मुझे देखकर हाँ डर के मारे भाग गया मछली। ये एक 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 अंदर कीचड़ के अंदर, अंदर सब कीचड़ के अंदर चला गया। पता नहीं कब मिलेगा मछली। बहुत गहरा है पानी, मच्छी सब कीचड़ के अंदर चला गया। यहाँ एक एक ये पकड़ी, ये पकड़ लिया। ये देखिए मच्छी, ये देखिए दोस्तों। मम्मा पानी में डालो, मम्मा पानी में। देखो मच्छी ये देखिए और एक मच्छी। बहुत सारा मच्छी है यहाँ पे, मैंने दो पकड़ लिया। और देखो, इधर और एक बड़ा मछली है, मैं जा रही हूँ इसको पकड़ने। देखिए पहला यहाँ पे ये पकड़ लिया मैंने। मामा आप पानी में जाओ, किनार किनार और मछली पकड़ो ना। दबते दीदी जाओ। वाओ इतना बड़ा मछली पकड़ लिया दीदी ने, देखो दोस्तों। या मामा पानी में डालो। हाँ देखो मच्छी, देखिए कितना अच्छा मच्छी पकड़ लिया मैंने। मामा ले गया अंदर मछली को, तो मछली को पानी में डाल दो ना। ये देखिए पकड़ लिया, और पानी पानी में डाल दो ना। बहुत सारा मछली मिला है और बहुत बड़े बड़े हैं। जान बाबा एक बार गई देना। वाओ मामा पानी में डालो फिर भाग जाएगी। ये देखिए ये भाई अभी कैसे डुबकी लगा के डायरेक्ट मच्छी पकड़ के उठ जाएंगे। वाओ वाह बहुत डेंजर है ये तो। डायरेक्ट डुबकी लगा के इसने मच्छी पकड़ लिया, ये बहुत एक्सपीरियंस वाला है। बहुत डेंजर से मछली पकड़ता है। हमारा बाल्टी लगभग भरने वाला है। ये। तो दोस्तों हम लोगों ने बहुत सारा मछली पकड़ लिया, अब हम जाने वाले हैं घर। और एक देखिए ये भी कितना सुंदर मछली है। बहुत सारा मछली पकड़ लिया, अब हम घर जाएंगे और इसको काट कर अच्छे से इसकी कड़ी बनाकर खाएंगे। फिश कड़ी बना के खाएंगे दोस्तों। मछली लेके मछली से देखे, बहुत सारी मछली है। देखिए मछली लेके मैं जा रही हूँ घर पे। तो फिशिंग करके बहुत मजा आया, अब हम घर की ओर जा रहे हैं। ऋषिका जाना नहीं चाह रही। नानी आ जा, आ जा। हाँ मछली को देखो, मैंने मछली पकड़ा है हाथ में, ये देखो मछली। अभी घर पे हम लोग जाकर बनाकर खाते हैं। चलो आ जाओ ना काका, और ज्यादा मछली लेके आएंगे। जाओ आ जाओ काका, काका देखो काका और ज्यादा मछली लेके आएंगे। वो देखिए और भी मार रहे हैं वो लोग मछली, इसलिए ऋषु नहीं जाना चाहती। आ जाओ जाओ काका मछली लेके आएंगे। आ जाओ आ जाओ, आ बताओ कहाँ जाना है। तो काका मछली लेके आएंगे ना, ज्यादा मछली। चलो हम लोग अभी घर जाते हैं। काका ज्यादा मछली लेके आना। हाँ आ जाओ, काका को बोल दिया आ जाओ। वो देखो छोटा बाबू,
मछली खाना है? नाची कर दे ना, नाची दिखाई दे, नाची मछली खाना है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं घर की ओर, बहुत गर्मी था फिर भी मछली पकड़ा। ऋषि का जाना ही नहीं चाह रहे। आजा बेटा आजा जल्दी। अब हम लोग घर पहुँच कर आपको दिखाएंगे। तो ये था आज का हमारा दिन, बहुत मस्ती किया, फिशिंग किया, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और आप लोगों को गांव दिखाया, देखिए हमारा गांव कितना हरियाली है, कितना सुंदर है। ताकि अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो में जब भी बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।